नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अजय सर में। दोस्तों, हम अपनी पिछली वीडियो में कैलेंडर के दो तीन बेहतरीन टाइप कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम कैलेंडर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों, हमने पिछले टाइप में किया था कि अगर हमें दिया हो 3 जून 2007 को यदि सैटरडे है तो हमें बताना है कि 3 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा। ये टाइप हमारी चल रही थी दोस्तों कि विद इन मंथ्स यानी एक ही वर्ष के दो या तीन महीनों के बीच हमसे पूछेगा कि 3 जून 2007 यानी उसी ईयर को सैटरडे है तो उसी ईयर के 3 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो हमने क्या किया था, हमने विषम दिन निकाले थे कि 3 जून, जून में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 30, 3 आ चुके हैं यानी कितने बचे 27, इससे आगे 27, फिर जुलाई में कितने दिन होते हैं दोस्तों 31 यानी विषम दिन कितने बचेंगे 3, और अगस्त के कितने दिन हैं तो 3 यानी टोटल कितने हो गए 33। अब इसको अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, 7 * 21 यानी 6 विषम दिन, 6 * 3 = 9 और 3 = 12, 12 विषम दिन यानी शेष कितना बचेगा 5। तो जितना भी शेष बचा है, 7 * 7 = 5 पाँच शेष बचेगा, तो जितना भी शेष बचा है उस दिन से आगे वही दिन हमारा आंसर होगा। सैटरडे से आगे पांचवा दिन क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा, सैटरडे से आगे सातवां दिन फिर से सैटरडे होगा दोस्तों, तो छठवां दिन फ्राइडे और पाँचवा दिन थर्सडे यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्सडे, वीरवार दोस्तों, वीरवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार और थर्सडे। क्लियर है दोस्तों। अब हम इस टाइप में थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये तो हम जुलाई से या जून से अगस्त जा रहे थे, अब वो हमें कहता है इसी टाइप में कि आपको दिया हो 10 मार्च 2001 को यदि फ्राइडे है, 10 मार्च 2001 को यदि फ्राइडे है तो हमें बताना है 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पर हमने क्या किया था, जून से अगस्त गए थे, यहाँ पर मार्च से जनवरी आना है, मार्च से जनवरी यानी पीछे की तरफ आना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि चाहे हम 1 से 8 तक जाएं, चाहे 8 से 1 तक आएं, बीच में दिनों की जो संख्या होती है, बीच में दिनों की जो संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, समान होती है। यानी 1 से 8 तक मतलब आगे जाएं या 8 से 1 तक पीछे आएं, बीच में दिनों की संख्या कितनी रहेगी, 6 रहेगी, समान रहेगी। तो चाहे 1 जनवरी 2001 से 10 मार्च 2001 तक जाएं, चाहे 10 मार्च 2001 से 1 जनवरी 2001 तक वापस आएं, बीच में दिनों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। तो हम इस क्वेश्चन को भी सीधे तरीके से करेंगे, कैसे कि 1 जनवरी आ चुकी है 2001, एक सिंपल ईयर है, 1 जनवरी आ चुकी है यानी जनवरी में 31 दिन होते हैं तो बाकी बचे 30, प्लस फरवरी सिंपल ईयर है तो फरवरी में कितने दिन होंगे 28, प्लस मार्च, मार्च के कितने दिन है 10, यानी इतने दिन बाद का ही हमें, इतने दिन पहले का बताना है सॉरी। तो 7 से डिवाइड करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बचेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, यानी कुल शेष कितना बच गया 5, 7 * 4 = 28, 2 शेष बचा, 7 * 4 = 28, 0 और 7 * 7 = 3, हमें शेष से मतलब है, शेष बचा 5। अब अगर जनवरी से मार्च की ओर जाते तो 5 दिन फ्राइडे में ऐड कर दे, यानी फ्राइडे से आगे पांचवा दिन हमारा आंसर होता, लेकिन 10 मार्च से 1 जनवरी आ रहे हैं तो इस शेष को हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, यानी फ्राइडे से पहले पांचवा दिन जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा। तो फ्राइडे से पहले सातवां दिन फिर से फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे से पहले छठवां दिन क्या हो जाएगा सैटरडे, और फ्राइडे से पहले पांचवां दिन क्या हो जाएगा संडे, पहले की बात कर रहा हूं दोस्तों तो संडे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा संडे यानी रविवार। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट सम करते हैं इसी तरीके का, पांच अक्टूबर 2016 को यदि ट्यूसडे हो, मंगलवार हो,
तो हमें बताना है दोस्तों 17 जुलाई 2016 को कौन सा दिन होगा। 17 जुलाई 2016 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों 5 अक्टूबर 2016 को क्या दिया है, ट्यूसडे। 17 जुलाई 2016 का बताना है, तो हम पिछले टाइप में कर चुके हैं कि 17 जुलाई से 5 अक्टूबर जाएं या फिर 5 अक्टूबर से 17 जुलाई तक आए, दिनों की संख्या हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। तो 17 जुलाई से अक्टूबर की तरफ जाएंगे तो जुलाई में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 31, यानी 17 आ गए तो कितने बचे, 14, प्लस अगस्त के कितने, 31 ही होते हैं, 31, प्लस सितंबर के कितने, 30, और अक्टूबर के कितने हैं, 5, यानी इतने दिन पहले का बताना है हमें, ठीक है। 5 अक्टूबर से 17 जुलाई आए या फिर 17 जुलाई से 5 अक्टूबर, बात वही है। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, अलग अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठा जोड़ के भी कर सकते हैं। 7 दूनी 14, 0 शेष बचेगा, हमें शेष लेना है। 7 चौक 28, शेष बचेगा 3, 7 चौक 28, शेष बचेगा 2 और 5 का 5, ये हो गया दोस्तों 5 3 8 और 2 10, यानी 7 से ज़्यादा है तो इसमें से एक सप्ताह और निकल जाएगा। विषम दिन क्या होते हैं दोस्तों, कि जितने भी सप्ताह निकलते हैं उनको निकाल दीजिए, बाकी जो शेष बचेगा जब पूरा सप्ताह नहीं बनेगा तो उसी को विषम दिन बोलते हैं। तो 10 को एक बार फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, विषम दिनों की संख्या बच गई 3, यानी ट्यूसडे से 3 दिन आगे जाना है कि पीछे आना है। अक्टूबर का दिया है, जुलाई का बताना है तो 3 दिन पीछे आएंगे। अगर जुलाई का दिया होता और अक्टूबर का बताना होता तो 3 दिन ट्यूसडे से आगे जाते, पीछे आएंगे तो ट्यूसडे से पहले क्या होगा, मंडे, उससे पहले संडे और उससे पहले सैटरडे, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। क्लियर है दोस्तों, एक बार नोट कर सकते हो आप। ये हमारी टाइप थी दोस्तों विद इन मंथ्स, यानी महीनों के अंतराल पर हमें पूछे। तो पहले हम वो भी टाइप कर चुके हैं जिसमें आपको ईयर के अंतराल पर, यानी एक साल के अंतराल पर क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों तीसरी टाइप, यानी हमारी मेन टाइप है कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर ऑफ कंप्लीट कैलेंडर, यानी कैलेंडर आपका रिपीट कब होगा, कोई भी ईयर का कैलेंडर है उसको दोबारा कब प्रयोग में लाया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों, ये हमारी टाइप होगी। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि 2001 के कैलेंडर को दोबारा कब प्रयोग में लाया जा सकता है, तो इसके लिए हमें बेसिक ट्रिक्स है दोस्तों कि जो भी ईयर हमें देगा उसको डिवाइड करना है हमें 4 से। किसे डिवाइड करना है, 4 से। अब अगर शेष बचा 1 तो हमें उस ईयर में जोड़ना है 6, अगर शेष बचा 2 तो हमें उस ईयर में जोड़ना है 11, अगर शेष बचा 3 तो फिर से हमें जोड़ना है 11। शेष मतलब विषम दिनों की संख्या या उस ईयर की संख्या, कि 1 बचता है, 2 बचता है या 3, और चौथा मतलब शेष बचेगा। अब 4 शेष नहीं बचेगा दोस्तों, 4 से भाग देंगे तो 4 शेष नहीं बचता, यानी 0, 0 बचे तो हम उसमें ऐड करेंगे 28, वो हमारा कैलेंडर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा इतने सालों के बाद। जैसे हमें 2001 दिया है, अब 2001 को पीछे वाले दो अक्षर 4 से भाग दे दो, पीछे वाले दो अक्षर यानी 4 से भाग होगा ही नहीं, एक ही है, एक शेष बचेगा तो हमें जोड़ना है 6 जोड़ना है, तो 2001 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2007, यानी 2007 में हमारा कैलेंडर क्या होगा, रिपीट होगा। इसको सोल्व करके भी देख सकते हैं, हम मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2001 को संडे है, क्या है, 1 जनवरी 2001 को संडे है, रविवार है, और 2001 क्या है, एक सिंपल ईयर है यानी साधारण वर्ष है, तो इसमें कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे। अब हम निकालते हैं 1 जनवरी 2002, तो हमें पता है, हमने पहले टाइप में किया था कि एक साल जाते हैं सिंपल ईयर से, एक साल आगे जाते हैं तो एक दिन ऐड होता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा,
मंडे। क्लियर है दोस्तों। फिर 1 जनवरी 2003 का निकालेंगे तो भी एक दिन ऐड होगा यानी ट्यूजडे। 1 जनवरी 2004 का निकालेंगे तो भी एक ही दिन ऐड होगा क्योंकि 3 से 4 के बीच में फरवरी किसकी आएगी, 3 की आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा वेडनेसडे। अब 4 से जब 5 जाएंगे दोस्तों 2005, तो यहाँ पर 2 दिन ऐड होंगे। 2 दिन क्यों ऐड होंगे, हमने पहले टाइप में किया था कि 2004 एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो उसका पहला और अंतिम दिन समान नहीं होगा, यानी अगर पहला दिन मंडे है तो अंतिम दिन ट्यूसडे होगा, तो इस प्रकार से 2 दिन ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फ्राइडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, 2 दिन ऐड होंगे। फिर 1 जनवरी 2006 का निकालें तो, क्योंकि 5 एक सिंपल ईयर है तो 1 दिन ऐड होगा, तो क्या आ जाएगा सैटरडे, ठीक है दोस्तों। और 1 जनवरी 2007 का निकालें, 2007 का, ये भी अपने बेसिक टाइप से ही निकलते हैं सारे फॉर्मूले दोस्तों, हम ये बेसिक टाइप कर चुके हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए शॉर्ट में करते हैं। 1 जनवरी 2007, अब 1 जनवरी 2006 को अगर सैटरडे है, 7 में जाना है तो 6 एक सिंपल ईयर है, और 1 साल आगे जाना है तो 1 दिन ऐड होगा, यानी फिर से क्या होगा संडे। अब मेरे को एक बात बताओ दोस्तों कि 1 जनवरी 2001 को संडे है और 2001 क्या है, एक सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर है यानी 365 दिन, पहला और अंतिम दिन क्या होगा सेम होगा, तो 1 जनवरी 2007 को भी क्या है संडे है और 2007 भी एक सिंपल ईयर है तो पहला और आखिरी दिन संडे यानी संडे ही होगा, तो दोनों ईयर का कैलेंडर क्या रहेगा समान रहेगा, सेम रहेगा, तो आप 1 जनवरी 2001 का कैलेंडर, सॉरी 2001 का कैलेंडर 2007 में क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2007 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जा सकता है, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। देखिए दोस्तों 2007 हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी ईयर दिया है उसको 4 से डिवाइड करना है, 4 से यानी पीछे वाले 2 अंकों को 4 से डिवाइड करें तो कितना शेष बचेगा, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष बचेगा 3। जब भी 3 शेष बचे तो हमें क्या करना है 11 जोड़ देना है, इसका मतलब 2007 में क्या जोड़ देंगे 11 जोड़ देंगे, तो 2018 में आपका कैलेंडर क्या होगा रिपीट होगा, कंप्लीट कैलेंडर। क्लियर है दोस्तों। अगर आपको पूछे 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आपको 4 से फिर से लास्ट वाले 2 अंकों को डिवाइड करना है, 2288, आपका 2 शेष बचेगा, इसका मतलब क्या है आपको कितना जोड़ना है 11 जोड़ना है, 11 जोड़ेंगे तो 2001 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ऐसे करना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप कमेंट में जवाब देना कि उसका आंसर क्या आएगा। आपको पूछा है 2019 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जा सकता है, 2019 के कैलेंडर को दोबारा कब प्रयोग में लाया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारी टाइप थी रिपीटेशन ऑफ कंप्लीट कैलेंडर की, आपका कैलेंडर रिपीट कब होता है। अब चलते हैं आपके अंतिम टाइप की ओर जो कि इंपॉर्टेंट टाइप है। अब वो क्या करेगा दोस्तों, आपको ना तो 1 साल के अंतराल पर पूछेगा, ना ही आपसे विद इन मंथ्स यानी महीनों के अंदर पूछेगा, ना ही आपसे ये पूछेगा कि कैलेंडर रिपीट कब होगा। वो आपको सीधा पूछेगा कि हम जिस दिन आज़ाद हुए थे यानी हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उस दिन कौन सा दिन था, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इस टाइप को कैसे करना है दोस्तों, देखिए हमने शुरुआत में एक टाइप की थी कि 100 वर्षों के बाद कितने विषम दिन बचते हैं, 5।
200 वर्षों के बाद तीन, 300 के बाद एक, और 400 वर्षों के बाद जीरो विषम दिन। यानी इससे आगे जब भी जाएंगे 400 से डिवाइड करेंगे, जो भी शेष बचेगा यानी 100, 200, 300, तो उसी के अकॉर्डिंग विषम दिन बचेंगे दोस्तों। क्लियर है? इसके बेस पे ही हम ये सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि हमें किसी भी तरीके का कोई भी कोड ना याद करना पड़े। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको विषम दिन निकालने आते हैं तो कैलेंडर की हर एक टाइप आपको आसान लगेगी। देखिए दोस्तों, 15 अगस्त 1947 का निकालना है, एक होता है आपका 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं 26 जनवरी को। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947, तो हमें क्या करना है दोस्तों, विषम दिन निकाल लेने हैं। पहला दिन हमारा था कैलेंडर का मंडे, याद होगा, पहला मंडे है, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, चौथा थर्सडे, पांचवां फ्राइडे, छठवां सैटरडे, और जीरो शेष बचे यानी सातवां दिन संडे। क्लियर है दोस्तों? तो 15 अगस्त 1947 तक हम देखेंगे कि 1947वां साल चल रहा है, 15 अगस्त का बताना है, लेकिन कंप्लीट कितने हो चुके हैं, 1946, यानी 1900 और इसके ऊपर 46 साल पूरे हो चुके हैं। तो हमें विषम दिन निकालने हैं, बहुत ही आसान है। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी लगेगा, लेकिन आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आसान हो जाएगा। कि इसको 400 से डिवाइड किया, 400 चौके 1600, तो कितना बचेगा, 1900 को 400 से डिवाइड किया 1600, यानी कितने साल बचे, 300 साल ऊपर बच गए। तो 300 सालों के बाद कितना विषम दिन बचते हैं दोस्तों, एक, प्लस 46 साल है। 46 सालों में हर एक साल में एक विषम दिन तो होता ही है, क्योंकि हर साल में कम से कम 365 दिन तो होंगे ही होंगे, लीप ईयर है तो उसमें 366 दिन होंगे, यानी 46 में 46 दिन तो एक्स्ट्रा होंगे ही होंगे, विषम दिन होंगे ही होंगे, इनमें से कुछ लीप ईयर और आ जाएंगे तो उनमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा। कितने लीप ईयर आएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 11 चौक 44, यानी 11 लीप ईयर आ जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? यानी ये हो गया 1946 तक कुल विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 46 और 11 57 और 1 58, ये हमारी 1946 तक कुल विषम दिनों की संख्या आ गई। अब हमें 15 अगस्त 1947 का बताना है, आपको कोई कोड याद नहीं करना। देखिए दोस्तों, जनवरी के महीने से चलते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं, यानी 3 दिन एक्स्ट्रा हैं, 4 सप्ताह निकल जाएंगे। फरवरी में, अब 1947 की फरवरी में कितने दिन होंगे, 28 होंगे, क्योंकि एक सिंपल ईयर है, तो 0, फिर 3, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त में 15 अगस्त का पूछा है, यानी 2 सप्ताह ही निकलेंगे, 7 × 14 एक ही, तो टोटल कितने विषम दिन हो गए दोस्तों, 3, 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 3 16 और 1 17, 17 विषम दिन ये हैं, और 1946 तक 58 ये हैं। टोटल कितने विषम दिन हो गए दोस्तों, 58 + 17 = 75, 75 दिन। अब इनमें से कितने सप्ताह और निकल जाएंगे, 10 सप्ताह, यानी शेष कितना बचा, 5, 5 विषम दिन बचे हैं। 5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्राइडे, यानी हमें किस दिन आज़ादी मिली थी, तो शुक्रवार को, शुक्रवार को। क्लियर है दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी ये लास्ट टाइप चल रही है, इसके 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद हमारा कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं, 15 अगस्त 1947। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो हम वही करेंगे कि 1949 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा जल्दी से करेंगे ताकि ना तो कोई कोड याद करना पड़े और हमारा सम भी जल्दी हो जाए बिना किसी फॉर्मूले के या बिना किसी कोड के। देखिए, 1949 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो 1900 में आपको पता है 400 से डिवाइड करेंगे 1600, 300 साल बचेंगे, विषम दिन कितना बचेगा, एक, प्लस 49 सालों में 49 तो एक्स्ट्रा दिन यानी विषम दिन वैसे ही आ जाएंगे,
क्योंकि हर एक साल में 365 तो कम से कम होते ही हैं, और इनमें से जो लीप ईयर होंगे उनमें एक्स्ट्रा और आएंगे, यानी 12 साल लीप ईयर आ गई। तो कितने हो गए दोस्तों, 49 और 12 61 और 1 62, यानी 1949 तक 62 विषम दिन आ चुके हैं। इसके आगे 26 जनवरी का ही बताना है दोस्तों, 1950 के कितने दिन हुए हैं, सिर्फ 26, 26 में से सप्ताह निकालेंगे, 7 या 21 यानी 5 दिन ये बच गए एक्स्ट्रा, और 62 ये है, टोटल हो गए 67 डिवाइड बाय 7, क्योंकि इनमें से भी कुछ सप्ताह हम निकाल सकते हैं, 7 × 63 9 सप्ताह निकल जाएंगे 7 दिनों के, 63 शेष बचेगा 4, 4 विषम दिन, 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, थर्सडे वीरवार यानी गुरुवार, क्लियर है दोस्तों। तो हमारा संविधान किस दिन लागू हुआ था, तो वीरवार यानी बृहस्पतिवार, गुरुवार, थर्सडे, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कि 15 मार्च 2011 को, सॉरी 2011 को कौन सा दिन था, 15 मार्च 2011 को कौन सा दिन था, कोई भी तारीख दे सकता है आपको किसी भी ईयर की, आपको सिर्फ विषम दिनों का पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों 2011 चल रहा है मतलब मार्च में, तो हमें 2010 तक के विषम दिन निकालने हैं। 2010 में 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे, 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा भाग हो गया, यानी 2000 सालों के बाद 0 विषम दिन बचेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक 400 सालों के बाद 0 विषम दिन बचते हैं, तो 0 2000 के बाद, प्लस आगे 10 सालों में 10 तो विषम दिन होंगे ही होंगे, इनमें से 2 लीप ईयर आ गए यानी 2 विषम दिन वो हो गए, क्लियर है दोस्तों। प्लस अब इस साल के 2011 के कितने विषम दिन होंगे दोस्तों, कि जनवरी महीने के 31 दिन यानी 3 विषम दिन, प्लस फरवरी महीने के 2011 की फरवरी में कितने दिन होंगे, 28 यानी 4 से 28 तो 0 विषम दिन, प्लस मार्च के कितने हैं, 15 × 7 = 14 यानी 1 विषम दिन बचेगा, तो ये टोटल इतने विषम दिन आ गए, 10 × 2 = 12 × 3 = 15 और 1 = 16, 16 को 7 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 सप्ताह निकल जाएंगे, 7 × 2 = 14 तो शेष कितने बचेंगे, 2 का मतलब दोस्तों ट्यूजडे। तो 15 मार्च 2011 को कौन सा दिन था, ट्यूजडे यानी मंगलवार था। तो ये था हमारा दोस्तों कैलेंडर, बाकी एक आदि जो भी टाइप आपकी रहती है, जैसे कि शताब्दी का अंतिम दिन हम कर चुके हैं, पहला दिन कौन सा है ये कम कर चुके हैं, ठीक है, बाकी आपके कल नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आपके लिए, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।